प्रश्न संख्या 1426। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया है, मैं आपकी अनुमति हो तो। ठीक, पूरा प्रश्न बोलिए। जवाब जो आया है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो संतोषजनक नहीं है। उसके अंदर मैंने पूछा क्या ये बता क्या रहे हैं। मेरा सीधा सा सिंपल सा सवाल है कि जो बिजली कटौती हो रही है उसका क्या समाधान है, और जिस तरीके से रात के टाइम पे बिजली कटौती होती है तो हम सब लोग सदन में जो बैठे हैं सब लोग जानते हैं कि कितनी परेशानी होती है रात को सोने के टाइम पे। तो अगर बिजली कटौती करनी है तो सुबह शाम नहीं करें और रात को नहीं करें, दिन में कर लें, ऐसा अगर विचार रखते हैं तो मंत्री मोदी बताएं। उसके अलावा जो अयन और जयन है मेरे विधानसभा में बामनवास ब्लॉक में, तो तीन जयनों की बजाय एक ही जयन है, उनके जगह लाइनमैन काम करते हैं, तो मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जल्दी जयन कब तक लगा देंगे। अयन वहाँ पर जो है उसकी मैं कॉल डिटेल निकलवाने की आपसे मांग करती हूँ कि उसकी कॉल डिटेल निकलवा कर ये देखा जाए कि उसने कितने फ़ोन अटेंड किए, क्योंकि वो किसी का फ़ोन अटेंड नहीं करता है। तो मैं यही मांग कर रही हूँ कि उसकी कॉल डिटेल निकलवा के उसकी जांच कराने का आप निर्णय ले देंगे, और दूसरा दोनों जयन लगाने की आप मेरे से सदन के माध्यम से आप बताएंगे कि दोनों जयन लगाएंगे और लाइट का समय सुनिश्चित करेंगे क्या। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि अपने पूरक प्रश्न के माध्यम से कि जो कटौती हो रही है उसको क्या दिन में किया जा सकता है कि रात्रि की जगह। माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास डिमांड है और जो उपलब्धता है वो दिन में और रात में, जब दिन में हमारे पास डिमांड होती है उस समय हमें लगभग 5000 मेगावाट की सोलर से हम आपूर्ति करते हैं, और दिन में हमें विंड में भी 2500 मेगावाट की हमारी क्षमता है, उससे भी हमें अधिकतर समय विंड उपलब्ध हो जाती है। परंतु जब रात्रि के समय अभी जो मौसम चल रहा है, जिस तरह से हीट वेव चली इस बार और मौसम रात्रि के समय रहा, तो सब जगह अब उपभोग बढ़ गया है। लगभग 25 से 28% इस बार डिमांड बढ़ी है, जो पिछले वर्षों में 10 से 11% हुआ करती थी। इस वजह से हमें 2 घंटे से 2.5 घंटे 3 घंटे तक भी बिजली कटौती करनी पड़ी है। हमारे पास रात्रि के समय जब 6 से 7 हज़ार मेगावाट की जो ये दिन की क्षमता है वो उपलब्ध नहीं होने के कारण रात्रि में हमारे पास जो उपलब्धता है वो कम हो जाती है, जिस वजह से दिन की डिमांड कोई हमारे पास शॉर्टेज नहीं है। दिन में हम किसी तरह का लोड सेटिंग नहीं कर रहे हैं। अगर दिन में कहीं बिजली की कोई व्यवधान आ रहा है तो वो लोकल डिस्टरबेंस है, कहीं कोई ट्रांसफार्मर में कोई क्षमता कम है या फिर वहाँ कोई ओवरलोड हो रहा है, तो उसकी वजह से ट्रिपिंग आ सकती है या फिर मेंटेनेंस की वजह से आ सकता है। बाकी रात में जो आ रहा है निश्चित रूप से उसमें लोड सेटिंग के माध्यम से हमारा एलडी का मैसेज आता है और उसी से कटौती हो रही है, और वो जब 7000 मेगावाट की कटौती हो रही है उसको हम पूर्ति करने का कोशिश करते हैं कि दिन में रात्रि के समय के लिए हमने एक्सचेंज से हम खरीद रहे हैं, जितनी एक्सचेंज में उपलब्ध है उस पर हम बिड करके और खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। हमने केंद्रीय उपक्रमों से जो संयंत्र हैं उनके वहाँ से 150 मेगावाट एक हमने बैठिए। अरे उनका, अरे उत्तर तो आने दो, अरे उत्तर आने दो माननीय सदस्य, माननीय सदस्य उत्तर आने दो। अरे जिसका उत्तर है वो बोलेगी, जिसका जिसका प्रश्न है उसको पूछे तो प्रश्न है। आप ये प्रश्नकाल है, बैठिए, सुनो तो सही। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य बैठिए, आपके प्रश्न पूछ रही है, फिर आपको दूसरा प्रश्न नहीं तो फिर ये विधानसभा कैसे चल रही है, देश चल रहा है। प्रश्न पुकार अगला, बैठिए बैठिए, अरे बैठिए आप सुनिए, अन्य नियमों में आइए। अगला प्रश्न पुकार रहा हूँ, मैं अगला प्रश्न पुकार रहा हूँ, उनको देखिए। जब रात में हमारे पास जो उपलब्धता है मंत्री महोदय, अरे उनको पूछने दो जवाब, अरे उनको हमारे पास रात में जो कमी है उसकी पूर्ति हमने केंद्रीय उपक्रमों से हमारी पूरी करके किए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारी डबल इंजन की सरकार है, हमसे 500 मेगावाट हमने केंद्रीय उपक्रमों से बिजली अतिरिक्त लिए, 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली लेकर के हम पूर्ति कर रहे हैं, और उसके अलावा हम एक सेंट से खरीद कर भी दे रहे हैं। लेकिन जब हमारी विंड नहीं होती, देखिए माननीय मंत्री महोदय, आप
मैं एक बार पूछ लूँ, मैंने सुन लिया काफ़ी, मतलब इतनी रामायण की जरूरत नहीं थी मुझे, मुझे सिर्फ इतना था कि मेरे जो जयन अयन लगा रखे हैं उनकी आप कॉल डिटेल निकला के जांच कराओगे कि नहीं कराओगे, और आप लाइट दिन में रात दिन के बजाय रात में दोगे या नहीं दोगे, और लाइट की कितना मैं मुझे एक कितना ये बता दो प्रोडक्शन कितना है और कितना खपत है, ये दोनों चीज़ आप बता दें। उसके अलावा आप मेरे जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उनको याद रखो, बार बार मैं पूछ नहीं सकती क्योंकि इतनी सीमा समय सीमा है। आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिपलाई जो मेरे ये विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है, दो महिलाएं परसों ख़त्म हो गई है, और वो इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि जीएसएस पे जो लोग रहते हैं ठेकेदार, वो ठेकेदार के लोग हैं तीन और पांच सरकार के कर्मचारी हैं, सारे लोग दारू पी के पूरे दिन भर रहते हैं, आप जांच करा लीजिए उनकी। और दो महिलाएँ प्रश्न पूछो। हाँ अध्यक्ष मोदी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगी कि जो जो लोग वहाँ पर जिनकी वजह से महिलाएं ख़त्म हुई, क्योंकि एक बार शॉर्ट होते ही वो लाइट चली गई, दारू पी के उन्होंने वापस उसको चालू कर दिया, दोनों महिलाएं झुलस गई, 11 KV का तार टूट गया वहाँ पे, तो मैं इस प्रकरण की पूरी जाँच करा कर इन लोगों को सस्पेंड कराने की अगर आपकी मंशा है तो वो आप एक बार बता दीजिए। आगे एक और क्वेश्चन है मेरा, माननीय मंत्री जी, मुकेश मीणा नाम से लाइन मैन है, एक और सुन लो फिर मैं उत्तर आने दो। मान्य देखिए, माननीय सदस्य ने पूछा है कि इनके जइए नहीं, इनका कॉल डिटेल, ये माननीय सदस्य और जो भी आपके टेक्निकल हेल्पर हैं उनकी भी हम जांच करा देंगे, वो पुराने समय के लगे हैं, उनकी आदत ठीक करने का हम प्रयास करेंगे, उनकी जांच भी कराएंगे, कॉल डिटेल भी निकलाएंगे, और अनियमितता हुई है तो उनको हम जाँच के बाद में दोषी पाए जाने पर सस्पेंड करने का भी काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष मोदी, मैं दूसरा पूरक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि एक एक मौत हुई 2012 के अंदर, 2012 के अंदर कोली प्रेमपुरा के एक व्यक्ति की मौत हुई, वो इसलिए हुई क्योंकि जो लाइनमैन है, प्रश्न में नहीं है अध्यक्ष मोदी, मैं आपको इसी पे आ रही हूँ, मैं सवाल पे आ रही हूँ क्योंकि दो लोगों की मौत हो गई है, इसलिए हो गई है माननीय अध्यक्ष मोदी, जो माननीय विपक्ष नेता आपका रिलेवेंट नहीं है, अरे कह रहे हैं आप रिलेवेंट नहीं है, माने किसी और माने अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित इस ओर करना चाहूंगा कि सदन को जो जवाब दिया गया है ना, उसमें सदन को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। खंड बे में आप ही देख लो, आपने कहा है कि हम 20 से 22 घंटे बिजली दे रहे हैं खंड बे में, और किसान को 6 घंटे दे रहे हैं, आप लिख के दे रहे हो इसमें, और पीछे जो आपने एनेक्चर लगाया है इस परिशिष्ट ए में आप ये कह रहे हो कि मई में तो 25% हमारे पास कमी आ रही है और जून में 28% कम आ रही है, तो ये परसेंटेज के हिसाब से अगर आप लगाओगे तो 24 घंटे में 20-22 घंटे बैठती नहीं है बिजली, ये तो सबसे पहले मैं सदन को ये बताना चाहूँगा। दूसरा, हकीकत आपको भी पता है, रात के 2-2 बजे तक बिजली नहीं आ पा रही है। माननीय, मेरा सीधा सा प्रश्न है, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, जनता को जवाब देना कि मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया था कि प्रदेश के अंदर बिजली कटौती नहीं होगी, और बिजली कटौती होगी तो हम जिम्मेदार जो अधिकारी कर्मचारी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो एक तो आप ये बता दीजिए कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की, एक नंबर। दूसरा, आपने टोंक में एक कार्यक्रम में आपने कहा कि कांग्रेस का जो MOU गलत हो गया उसके कारण 900 लाख यूनिट हम बैंकिंग के जरिए वापिस दे रहे हैं, और उससे अगले दिन आपने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा प्रेस में कि हम 147 लाख यूनिट वापस कर रहे हैं, तो आपके दोनों बयान के अंदर लाखों यूनिट का अंतर है, ये एक आप क्लियर आप करा दें। और दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि जब आप कांग्रेस के समय के सारे MOU कैंसिल कर रहे हैं तो ये MOU कैंसिल करके किसान को और आम जनता को बिजली नहीं दे सकते आप, इसके बारे में बता दीजिए। माननीय मंत्री जी, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने मेरे जो अपने जो अनेक्सर है उसमें सवाल उठाया है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैंने इसमें जवाब दिया है कि 25% लाइट की कमी नहीं है, 25% पिछले वर्षों से डिमांड बढ़ी है, न कि लाइट कम है। आप सुनिए साहब, ये 25% डिमांड बढ़ी है, तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमने लगभग 500 मेगावाट बिजली हमारे केंद्रीय उपक्रमों से ली है, डबल इंजन की सरकार है ये, आप सुनिए तो सही।
फिर हम बाकी का जो गैप है उसको पावर परचेज करके कर रहे हैं। दूसरी चीज आप सुनिए, और हमने आपके समय 52% पीएलए पे चलाते थे ना आप उत्पादन के संयंत्रों को, उसको 74% पर चलाया है हमने कोयला उत्पन्न करा करके, जिससे ये गैप कम हुआ है। 74 पे चला रहे तो बिजली क्यों नहीं आ रही? माननीय सदस्य, हम तो एक ही क्वेश्चन है भाई, बिजली देने की मंशा है या नहीं है? अगला प्रश्न है श्री, ये सब गोगरा, इतने सब प्रयास के बाद भी 2 से 2500 मेगावाट की अभी कमी है। 157 क्वेश्चन संख्या 157, इतने प्रयास के बाद भी 2 से 2500 मेगावाट की कमी है, उसको दूर करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। क्वेश्चन संख्या 157, माननीय मंत्री जी, लगातार प्रयासरत हैं, हमने उत्पादन बढ़ाया है, उत्पादन बढ़ा के सरकार द्वारा प्रदेश में